हेलो गाइस, मैंने बनाई है सूजी रसमलाई जो कि आप गणपति जी के 56 भोग में भी बना सकते हैं। तो देखें कैसे बनाई है। कढ़ाई में लेंगे 2 टेबलस्पून घी और 1 बाउल यहाँ पे मैंने सूजी ली है। और अगर आपकी सूजी बारीक नहीं है तो उसे ग्राइंड करें, बिल्कुल बारीक सा बनाएं, बिल्कुल आटे के जैसा नहीं। मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम लोग ऐड करेंगे एंड देन धीरे धीरे इसको मिलाएंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सॉटे करना है जब तक इसकी फ्रेग्रेंस आए। 5 मिनट्स के बाद इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। अब सेम 1 बाउल मैंने मिल्क का ऐड किया है और मैं इसको मिक्स करूँगी। ये प्रोसीजर स्लो फ्लेम पे ही है, फुल पे नहीं करना है वरना सूजी कच्ची रह जाएगी। और अब यहाँ पे मुझे थोड़ी थिक लग रही है तो उसमें मैं 1/2 बाउल और ऐड कर रही हूँ। फिर से इसको मिलाते जाएंगे मिक्सचर को और ये जैसे जैसे पैन से छूटता जाएगा मतलब आपका डो रेडी है। अब मैंने इसमें ऐड की 2 टीस्पून कैस्टर शुगर। आप चाहें तो पूरी शक्कर भी ले सकते हैं और ज़्यादा मीठा भी बना सकते हैं। इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे इस मीडियम फ्लेम पे ही। 5 मिनट्स में ही पूरी शुगर मेल्ट हो जाएगी और अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे तो आपको स्टिकीनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। अब जैसे हम लोग आटे को गूंधते हैं वैसे ही इस सूजी के डो को भी प्रॉपरली गूंधेंगे ताकि हम जब इसके बॉल्स बनाएं या कोई भी शेप बनाएं तो उसमें लाइंस ना हो, बिल्कुल प्लेन हो। देखो इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे बॉल्स बना दिए हैं, आपको कोई भी लाइंस नहीं नज़र आएंगी, एकदम प्लेन है। आप चाहें तो कोई और भी शेप बना सकते हैं। अगर आपका बैटर टूट रहा है तो आप थोड़ा घी लगा के शेप बना सकते हैं। फिर एक कढ़ाई में मैंने लिए 2 कप्स ऑफ फुल फैट मिल्क, मीडियम फ्लेम पे बॉईल करने के लिए रखेंगे। साइड बाय साइड मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मिल्क और 1 टेबलस्पून कस्टर्ड मिक्स करके मैं इस बॉइलिंग मिल्क में ऐड करके इसको मिक्स करूँगी मीडियम फ्लेम पे ही 2 मिनट्स के लिए। ऐड करेंगे 2 ग्राइंडेड इलायची, 5 to 6 केसर के थ्रेड्स, 2 टीस्पून ऑफ कैस्टर शुगर। आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 5 मिनट्स के लिए मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ घर की मलाई, ये ऑप्शनल है। मिलाते रहना है मिल्क को, अदरवाइज ये गाढ़ा हो जाएगा और पैन को स्टिक होने लगेगा। ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 2 मिनट्स के लिए मिक्स करेंगे। मिल्क को बॉयल होने के लिए रखेंगे। जैसे ही ये बॉयल होने लगेगा हम इसमें 1 by 1 बॉल्स ऐड करते जाएंगे। बॉल्स ऐड करने के बाद जैसे ही मिल्क बॉयल हो रहा है तो ये बॉल्स पूरे ऊपर आ रहे हैं, यानी कि ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं मिल्क को। यानी यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए इन्हें बॉयल होने के लिए छोड़ना है। फ्लेम को करेंगे ऑफ एंड ये रेडी है, इंस्टेंटली रेडी हो गई रसमलाई। मैं इसको गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट से। तो गाइस, गणपति जी आने वाले हैं और उनके 56 भोग के लिए आज मैंने एक और इंस्टेंट स्वीट डिश आपको बना के दिखाई है। तो आप भी बनाएं और मुझे कमेंट ज़रूर करें। और थैंक यू जिन्होंने मेरे प्रीवियस ब्लॉग पे कमेंट किया। अगर आपको भी अपना नाम ऐसे ही मेंशन करवाना है तो मुझे कमेंट करते रहिएगा। बहुत ही टेस्टी बनी है गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई वीडियो।